धमकी देके जैसे बात कर रहे थे। वो हाँ चीजें तो वीडियो में नजर नहीं आ रही। आपका यूनिफॉर्म पकड़े, आपके साथ एक वचन वो, में बात हाँ करें। यहाँ पे माफिया का एरिया है बिदर में रेतिक का, तो मैं एक ही बंदा हूँ कि यहाँ पे टाइट करने वाला। तो आप एमएलए के साथ भी मिसबिहेव करे, इसलिए आपका ट्रांसफर कर दिया गया रायचूर में। यहाँ पे मेरी जगह कोई भी एक लिंगायत ऑफिसर रहता था चेंज नहीं होता था। ये बीजेपी का नेता ना लिंगायत का है और ईश्वर खंडे भी लिंगायत का है। देखो एक बीजेपी का बात इमीडिएट कांग्रेस मिनिस्टर सुनता क्या बोलो। अरे हाँ एमएलए अरे फर्स्ट टाइम बैठ के बात करी एमएलए के अनुमति तो था सर रिकॉर्ड मार कर मंजुनाथ सर, मैं गुलबर्गा हेडलाइन से वसीम बात कर रहा हूँ जी। ये बीदर का जो इंसिडेंट है आपका वीडियो कंटिन्यू तमाम न्यूज चैनल्स में चल रहा, इस तरह से आपका आर्टिकल्स आ रहे कि आप जो है बीदर के एमएलए के साथ मिसबिहेव करे हैं, आपके आप रात में गाड़ियां रोक रहे थे जब एमएलए आपसे बात करने आए, क्यों उस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो आप एमएलए के साथ भी मिसबिहेव करे इसलिए आपका ट्रांसफर कर दिया गया रायचूर में। क्या इंसिडेंट क्या है सर? आप एक तरफ चैलेंज कर रहे हैं, फुल वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो इसलिए हम आपको कॉल करे हैं कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था। कुछ नहीं, वहाँ पे जब मैं ऑन ड्यूटी पे था फुल यूनिफॉर्म में ड्यूटी कर रहा था, तो बिदर के शैलेंद्र बेलदार एमएलए वो मैं बोल के आके मेरे से बोल देते, बोला उनको पहचानता नहीं मेरी, तो उसने पूछा साहब मैं आपको नहीं पहचाना बोल के, वो खुद बोले मैं एमएलए हूँ बोल के, सॉरी साहब मैं आपको पहली बार हूँ नहीं पहचाना बोल के, मैं इतना बात किया। उसके बाद उनको क्या है मैं एमएलए हूँ मुझे कैसे नहीं पहचानता, तो मेरे कटक में देखा होगा, मैं मीडिया में देखा नहीं क्या, कटक में देखा नहीं क्या, बैनर में नहीं देखे, पॉम्पलेट में नहीं देखे क्या, बोले ऐसे वो ऐसे मुझे बोल रहे सॉरी सर मैं पहचाना नहीं आपको, मैं झूठ नहीं कहा सर, तो आपको नहीं पहचान पहली बार देख रहा हूँ आपको बोल के बोला। तो उसके बाद वो मुझे थोड़ा बहुत अलग अलग बात कर रहे थे, हफ्ता लेते वो लेते बोल के मुझे जोर से धमकी दे के जैसे बात कर रहे थे। मैं उनको दो चार बार मैं उनको समझाया साहब देखो हमारा डिपार्टमेंट वाले हमको ड्यूटी डालते हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या है, हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता है, टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, केसेस लिखना लगता है पड़ता है, हमको भी टारगेट रहता है बोल के उनको समझा दिया। ओके उन लोग क्या बोले मेरा मेरा हमारा कार्यकर्ता गाड़ी टूपी लिखता है 40,000 फाइन लिखता है तो हाँ, और मैं बोल जब फोन करता हूँ गाड़ी नहीं छोड़ता है तो ऐसे सिंगल बहुत बात की है। तो उसके बाद मैं उनको क्या ना मेरा यूनिफॉर्म पकड़ के ऐसे हाथ पकड़े बात की, तभी उनको मैं वार्निंग किया था सर देखो आप जो भी है एमएलए हो जो भी है मेरे हाथ मत लगाओ, यूनिफॉर्म टच मत करो, देखो फिर मैं अच्छा नहीं लगता, उनको वार्निंग। वो चीजें तो वीडियो में नजर नहीं आ रही। आपका यूनिफॉर्म पकड़े, आपके हाँ साथ एक वचन में बात करें। वो हाँ वो ही बोल रहा ना, मैं उनको बोल रहा हूँ कि शैलेंद्र बेलदार एमएलए था वो वीडियो आप ही वो तो सुन रहे ना आप, ये वीडियो मोड़ रहा हूँ विधानसभा माता मुझे सुन रहे ना आप, वो तो बोले ना एमएलए तो वही वीडियो उनको रिलीज करो बोलो, जो मेरा गलती है तो उनका गलती वो साबित हो जाता ना, मतलब मेरा गलती वीडियो कट करके सिर्फ आप जो एडिट बात कर रहे हैं वो बता रहे वो लोग। यस उन लोग ना वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं, मैं तो वीडियो नहीं किया, वो वीडियो करो बोल के बोले थे बेलदारा साहब बोले एमएलए साहब बीजेपी के नेता, और बीजेपी के नेता ने बोला कि वीडियो मोड़ रहा हूँ मैं विधानसभा कूद कर माता तीन बोल के बोले, अरे रे तुम लोग ही किया ना वीडियो, तुम लोग ही बोले वीडियो करने के लिए, तो तुम लोग क्यों पूरे वीडियो नहीं छोड़ रहे हैं सर एक्चुअली आप उस दिन कर क्या रहे थे वहाँ पे, रोड पे हो क्या रहा था, और कहाँ का इंसिडेंट है वो? मैं रोड पे ड्यूटी कर रहा था जी, हमारा हम तो आरटीओ वाले है ना तो हम रोड पे रहते हैं, तो इधर नौबत एरिया में हमारा ड्यूटी चल रहा था उस टाइम पे टाउन नौबत लालबाग एरिया में। एरिया में सिटी में हाँ, तो उन लोग खुद आए मेरे पास, मैं तो उनके पास जाके नहीं बात किया, वो खुद आए खुद वीडियो करने के पहले खुद बात किए, जब उनको मैं रिवर्स बात करने के लगा तो जो जो उनको रियलिटी पूछ रहा था उनको बुरा लगा, इसलिए वीडियो रिलीज कर रही है नहीं जी इसको प्रॉब्लम नहीं, देखो कैसा नहीं, उनका ये भी बोल बोलना था देखो। न्यूज में, उनका ये भी बोलना था न्यूज चैनल्स वालों को कि आप जो है बाइक्स को रोक रहे थे, व्हीकल्स को रोक रहे थे, इवन हेलमेट पहनने वाले गाड़ियों को भी आप रोक के परेशान कर रहे थे, इस तरह से बोल रहे वो। देखो वो बल्ला साहब मुझे इल्जाम लगाने के हर चीज बोलते हैं,
मैं बैंक वालों को पकड़ा हो, मैं औरतों को पकड़ा हो, बच्चों को पकड़ा हो, लड़कियों को पकड़ा हो, बच्चे को पकड़ा है, बुढ़े को पकड़ा, ये सब बोलते हैं कहानी। अरे भाई जो भी है, मैं जो भी है, मैं किसको पकड़ा हूँ, क्या क्या पकड़ा हूँ, क्या भी होगा, हेलमेट वाले को पकड़ाऊंगा, लारी वाले को पकड़ाऊंगा, साइकिल वाले को पकड़ा। अरे भाई तुम वीडियो करे ना, वीडियो में पूरा है ना, फिर रोज क्यों रिलीज नहीं कर रहे, मैं एक क्या पूछ रहा हूँ ना जी। तुम उतने अच्छे, तुमको तुमको कॉन्फिडेंस है ना मैं गलत हूँ, तो वीडियो रिलीज करो। तुम्हारा पास पूरा एविडेंस रख ले के सिर्फ मुंह से बोल रहे तुम, मैं साइकिल वाले को पकड़ाओ, गाड़ी वाले को पकड़ो, हेलमेट वाले को पकड़ाओ। आप तो देखेगा कभी तो आरटीओ वाले टू व्हीलर को रुकाते हैं। आरटीओ हम लोग क्या रहे, छोटे मोटे गाड़ियों का हम घाटी नहीं डालते, हम क्या रहे, देखो फोर व्हीलर को ऐसा हमको रुकाने की परमिशन है, हम आरटीओ हम पकड़ सकते हैं, टू व्हीलर नहीं बोलो, मतलब छोटे मोटे रात में फोन पकड़ते जी बोलोगे रात में टू व्हीलर जो है, ये तो साबित दिखता ना। मजा क्या है, इस तरह से आपके ऊपर जो है ना आकर वो लोग एक वचन में बात करे, आपको इस तरह से करे, क्या क्या, क्या लगता है आपको ये एक एक किस्म का आपको टारगेट किया गया है, क्या क्या कहेंगे आप इसमें? सिंपल देखो, यहाँ पे माफिया का एरिया है बिदर में, रेती का, पक्के स्टोन का, लाल पत्थर का और मट्टी का, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है यहाँ पे मट्टी का, उनके का, तो इधर वो क्या बोलते हैं ना चावल का और यहाँ के ड्रेस का, ये सब जानते हैं यहाँ पे हर जगह, ठीक है। तो मैं एक ही बंदा हूँ कि यहाँ पे टाइट करने वाला, मैं एक ही आरटीओ का ऑफिसर हूँ कि मैं यहाँ पे रोड पे ना ठहर के मैं क्या आपको, सर मैं आपको रोक रहा हूँ सॉरी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आप बोल रहे हैं रेती की गाड़ियां का, कंकर का, पत्थर का, लाल पत्थर का, ये सब लोग जो माइनिंग करने वाले लोग हैं, क्या ये कहीं ना कहीं एमएलए के कांटेक्ट में हैं, क्या उनके सपोर्टर्स हैं, किस तरह से आप रोकने के बाद ये आपके ऊपर इस तरह से टारगेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? एक ना एक किसी का वोटर से, लोग बीजेपी के भी वोटर से, कांग्रेस के भी वोटर से, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी कार्यकर्ता ही ऐसा गलत काम करते होंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस कार्यकर्ता गलत काम करते, इसमें हर लोग इन्वॉल्व है, शंकर मारे, मट्टी मारने में और लाल पत्थर मारे, हर एक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है। तो उन लोगों को मैं टाइट करने वाला, इन लोग जाके ना ईश्वर काटने वाले, खान साहब के सामने जाके बैठने वाले, ट्रैफिक को लेकर इनको थोड़ा बोलो हमारी गाड़ी नहीं पकड़ना चाहिए, हमको केस नहीं लगना चाहिए, इन लोग इनके पास जाने वाले, इनको ना तकलीफ, ऐसे अच्छा कि इसको उठा देने का अच्छा है ना। इनका रेती का धंधा आराम से चलता, इनका माइनिंग का धंधा आराम से चलता, हर चीज आराम से चलता, नहीं जी मैं यहाँ से चला गया था। हाँ इसलिए ना देखो यहाँ पे पूरे MLA मिल के मुझे ना टारगेट करके निकाल लू, ऊपर से मैं सिंपल बोलता हूँ, यहाँ पे मेरी जगह कोई भी एक लिंगायत ऑफिसर रहता था चेंज होता था, लिंगायत के लोगों पे चलता है, ईश्वर के अंदर सब लिंगायत का है, कोपलदार भी लिंगायत है, यहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या है ना, इनको पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है और इनका इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको यहाँ पे कास्ट इम्पोर्टेंट है, ये बीजेपी का नेता ना लिंगायत का है और ईश्वर के अंदर भी लिंगायत का है। हाँ मैं तो SC वाला हूँ, मैं तो संडे पसंद लॉबी है, देखो एक बीजेपी का बात इमीडिएट कांग्रेस ने मिनिस्टर सुनता क्या बोलो। आप ही सिंपल एक मीडिया वाले हो, ये इन्वेस्ट कर सकते ना अच्छे अच्छे, इसी कांग्रेस का रात भर दिन भर मेहनत करने से वाला का कांग्रेस वाले का काम नहीं हो रहा, एक ट्रांसफर नहीं हो रहा, सुबह से शाम तक जाके मिनिस्टर के पास जाके हाथ फैला के ऐसा लेटर दे तो टेक का ट्रांसफर नहीं हो रहा, डिप्टी से नहीं हो रहा। अभी सर अगर पूरा फुल वीडियो का जिस तरह से आप डिमांड कर रहे हैं, अगर फुल वीडियो सामने आता है तो उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी ये बताइए। यस यस, ये सही सवाल पूछ रहे हैं आप। देखो ये जो बिल्डर साहब वीडियो रिलीज करे कितना मिनट का है, जस्ट 20-30 सेकंड का है शायद, उतना ही है, चलो कि एक या दो या तीन मिनट होगा मैक्सिमम, उतना तो मैं दो तीन मिनट का ही वीडियो रिलीज, नहीं एक वीडियो 22 सेकंड का है, मेरे पास एक वीडियो 16 सेकंड का है, उतना ही है, एक दो मिनट का समझो, इतना ही है। ओके और हम दोनों के बीच में जो बातें हो गया ना इस दिनों, एक 15-20 मिनट हम दोनों के बीच में बातें हुआ है, हम सबके बीच में, मैं बल्लभ साहब के साथ, कार्यकर्ता के साथ, हमारे साथ, हमारे ड्राइवर के साथ, सबके साथ हुआ, क्योंकि आज भी जितने लोग हैं क्या पूरा हम लोग वीडियो लिया। तो मैं कह रहा हूँ 15-20 मिनट में क्या क्या बातें हुआ है, सब लोग
तुम वीडियो क्यों रिलीज नहीं कर रहे? 15-20 सेकंड का वीडियो रिलीज कर रहे ना, पूरा 20 मिनट का है वीडियो। मैक्सिमम तो 10-15 तो आराम से देखो, 10-15 में हम दोनों के बीच क्या क्या बातें, मैं बेलदार से क्या क्या सवाल पूछा हूँ, क्या क्या उनको मैं जवाब दिया हूँ, और वो मुझे क्या क्या सवाल पूछे, वो मुझे क्या क्या जवाब दिए, सो भाई ना जी उनके कार्यकर्ता मुझे क्या क्या सवाल किए, क्या क्या जवाब दिए, सो भाई ना, तो पूरा क्लियरली क्यों नहीं, उतना है हिम्मत तो उनके पास रिलीज करो। अब मेरे पर देखो जी, उतना पावरफुल है इसकी माँ की, वो मुझे एक 12 घंटे में ट्रांसफर करने वाला, उतना पावरफुल है एमएलए, तो इसमें क्यों पावर उनके नहीं दिखा रहे वीडियो रिलीज करने में? हाँ करो बोले वीडियो रिलीज, मैं ऊपर लेके आ रहा ना, मुझे सस्पेंड कर, डिसमिस करो बॉर्डर में, गलती है तो मेरा नॉट सस्पेंड, ओके डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दो, बोले मुझे खत्म। हाँ गलती है तो मैं बोलता था ना जी, मैं इतना क्यों खुल के बोलते, रिलीज करो मुझे, डिपार्टमेंट बाहर निकाल, डिसमिस करो, क्यों बोलते बोलो? सही है, जो डरा हुआ बंदा ऐसा बोलता है कभी तो? सही बात है, सही बात है। अरे मैं पक्का ऑफिसर, मैं इन लोग के डरने वाले एजुकेटेड हूँ, मैं पक्का इंग्लिश जो से मैं अभी आगे आप फर्दर आपको ट्रांसफर किया गया है, अब आगे कुछ फर्दर इसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे, क्या करेंगे अभी? नहीं मैं इतना कर रहा हूँ, मैं उनके ऊपर एक्शन ले रहा बोल के ये नहीं कह रहा हूँ, मगर जो इन लोग मेरे पर इल्जाम लगा ना, उम्र से ना दूर रहता बस है, मैं वेलदार साहब को चलाओ इनको एक्शन ले बोल के, उतना फालतू सोच नहीं है जी मेरा, होता है इंसान के साथ, उनसे तो गलती होगा, मेरे से गलती हो जाता है, चलो उनके एग्जाइटमेंट पे तो कुछ बोले होंगे, कुछ किए होंगे, मतलब मेरे पर इल्जाम क्यों लगा रहे? तो मेरे पर इल्जाम चलेगा तो बस है, मैं ये नहीं करूँ उनके ऊपर एक्शन ले लो, और वीडियो बताए तो क्या गलती है मालूम हो जाएगा, उसके बाद ये तो पूरा हो जाता नहीं, मेरा गलती नहीं है बोल के, मेरी गलती नहीं है बोलने के बाद ठीक है, आई एम कूल, मैं कूल रह जाऊंगा। हाँ मैं उनको लोग मुझे यूनिफॉर्म में टच किए, उन लोग हाथ किए और उसके ऊपर मेरे ड्यूटी पे डिस्टर्ब किए, ये सब है, इसके लिए उनको एक्सेल लोग बोलते ये नहीं मैं कभी नहीं कहूँगा। हाँ इंसानियत के रूप में मैं बात करना पड़ रहा जी, ऐसा नहीं कि इंसान के हाथ में।